हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। इनको फ्रोजन शोल्डर है और फ्रोजन शोल्डर की बहुत सारी एक्सरसाइज है। फ्रोजन शोल्डर अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो हो जाता है, माना हो गया, लेकिन उसको हमने ठीक करना है और वो ठीक करने के लिए स्वयं की मेहनत का हमने ज़्यादा प्रयोग करना है। जब भी बॉडी के अंदर कहीं पर भी मसल्स में आपको समाज में मसल्स में प्रॉब्लम हो, किस जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, तो आप स्ट्रेचिंग जरूर करो। स्ट्रेचिंग हमारी मतलब लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इनको लेफ्ट हैंड में इनको फ्रोजन है, आप खाइए, ये देखिएगा, ये उठ नहीं रहा। दो दिन से इनको बहुत ज़बरदस्त पेन था, बहुत अच्छा पेन था, तो अभी हमने दो दिन इनको ट्रीटमेंट दिया था, खाली दर्द वाला। दो दिन में आपको कितना दर्द कम हुआ? कुछ जॉइंट से दर्द मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ भारापन या नीचे खिंचाव रह गया है। दर्द है, ये ठीक हो जाएगा। और ये निश्चित है कि फ्रोजन शोल्डर वाले अगर प्रॉपर अपने आप स्वयं एक्सरसाइज करें तो किसी डॉक्टर के पास जाने की कभी भी जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। वो गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि स्वयं अगर स्ट्रेचिंग इसकी करेंगे तो कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहली जो स्ट्रेचिंग है, व्यक्ति को ऐसे मोड़ेंगे, अपने हाथ से इस पर ऐसे रखेंगे और इसको धीरे से उठाएंगे, ऐसे बहुत ताकत नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर नहीं होना, आराम आराम से करना है, ठीक है? ऐसे 20-30 बार जितना इंसान कर सकता है, 20-30 बार ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? अब उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से घर के किसी एक व्यक्ति को आप अपने ऊपर लगा लीजिए हल्का सा, और उसको बोलेंगे कि भैया हल्की हल्की गर्दन सीधे, इसमें पावर लगाइए, ये देखिए, बीस तीस बारी ऐसे धीरे धीरे हमने ये एक्सरसाइज करनी है। फिर ये ध्यान देंगे कि इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़िए, इनके लेफ्ट कंधे में फ्रोजन है, तो इसको बोलेंगे कि आप भैया इनको खींचिए, इस हाथ को खींचिए, खींचिए, ठीक है? ये खींचिए और आगे झुकिए, खींचिए, ये वाली एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज है, खींचिए, खींचिए, ठीक है? अब इसी में एक और पार्ट आएगा तीसरी एक्सरसाइज का, और वो है ऐसे करने के बाद में इस तरीके से, खींचिए, ऐसे मारिएगा और उसको ऐसे कीजिएगा, वो मान लीजिए बाहर की तरफ, अब बाहर की तरफ कीजिए, यस कीजिए, ये इनका जाएगा नहीं, देखिए ये ऐसे नहीं जाएगा, मेरा जा रहा है ऐसे, इनका नहीं जाएगा क्योंकि उस कंधे में फ्रोजन हो चुका है, बहुत अच्छा कीजिए, मिला के कीजिए डेली सुबह कंटिन्यू आधा घंटा आप अपने ऊपर कीजिए। और ये ना अगर ख़त्म हो जाए फ्रोजन शोल्डर तब आप मुझे बोलना, ना आपको कभी दर्द रहेगा, ना आपको कभी सर्जरी की जरूरत रहेगी, ना आपको मेडिसिन की जरूरत रहेगी, ये खास ध्यान दीजिए, ठीक है? तीसरी, अभी चौथी, चौथी में क्या करना है? हमने चौथी एक्सरसाइज नहीं, इसको भी नहीं करना है, दूसरे हाथ से कीजिए, ठीक है? पकड़ लीजिए इसको पकड़िए हाथ में, इस खींचिए, आगे खींचिए, देखिए अब ये इसको इधर की साइड में खींच रहा है, ऐसे करके जितना जा सकता है उतना ही, ज़्यादा ताकत यूज नहीं करना, ये देखिए, ठीक है? और कीजिए, कीजिए गर्दन को आगे, कीजिए गर्दन को आगे, यस कीजिए, कीजिए, देखिए इसमें खड्डा पड़ रहा है प्रॉपर, ये प्रॉपर जा रहा है, इसमें खड्डा पड़ रहा है, लेकिन इसमें खड्डा नहीं पड़ रहा, ये डिसलोकेट हो गया, ये अलग नहीं है। अब इसको हमने ओके करना है। अब इसके करने के बाद में अगर फिर भी नहीं हो रहा तो दो तीन चीज़ें और कर लेंगे। हाँ जी, ऐसे कीजिए, आगे भेजो पुनः, ऊपर कर लीजिए, कीजिए, 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 नीचे लाइए, इसको तो ज़रूर करें आप, जितना जा सकता है कीजिए, अब जितना जा सकता है कीजिए, खूब कीजिए दबा के, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगानी, ठीक है? पावर नहीं लगानी, कीजिए, कीजिए, ध्यान रहे ये पोस्चर हमारा सीधा होना चाहिए, कीजिए, यस, कीजिए, और उसके बाद में अगर दर्द होता है तो किसी व्यक्ति से बोलिएगा कि थोड़ा इसको रिलैक्स कर दें, इसको दबा दें, इस वाली पोस्चर को घर के किसी व्यक्ति से इस पोर्शन को दबवा ले, एक इस वाले को, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से दर्द आपको देख लेना। फ्रोजन शोल्डर वाले व्यक्ति रात को नींद नहीं आती, दर्द खत्म करना सबसे पहले जरूरी है, तो इसलिए इस चीज़ को हमने एक्टिवेट करना है। और ये जो इनको एक्सरसाइज सिखाई है बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, ठीक है?
और इसके बाद में इनको धीरे 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 15-20 दिन में दर्द गायब हो जाएगा और कंधा पूरा प्रॉपरली खुलने लग जाएगा। जब खुलने लग जाएगा तो फिर उसके बाद में तकलीफ होगी, ठीक है।